हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि धातु कार्बोनिल के बनाने की विधियां कौन कौन सी है, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि धातु कार्बोनिल मतलब मेटल कार्बोनिल आखिर होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है, सारा चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को अपना पुराना नोट्स दिखा रही हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को धातु कार्बोनिल बताया था। यहाँ पे जैसे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये निकिल है। निकिल को हम लोगों ने मेटल माना है, मतलब ये धातु है और इसके जगह और भी धातु हो सकता है, जैसे कि आयरन हो गया, निकिल हो गया। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड और निकिल आपस में जो है कंबाइन होते हैं, आपस में जो है वो संयोग क्रिया करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा यौगिक या कंपाउंड बनता है उसे हम मेटल कार्बोनिल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे निकिल जो है वो मेटल है और कार्बोनिल, तो ये जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो क्या बना, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं मेटल कार्बोनिल। तो आज हम लोग इसको देखेंगे कि इसे बनाने की आखिर विधियां कौन कौन सी है। बहुत ही सरल है, तो मैं आज आप लोगों को चार ऐसी विधियां बताऊंगी जो कि अगर आप लोगों के एग्जाम में आया तो इसे आप लोगों को लिखना जरूरी है। एटलीस्ट चार विधि आप लोगों को लिखना पड़ेगा। पहला है धातु तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के सीधे संयोग द्वारा, दूसरा है धातु ऑक्साइडों पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया द्वारा, तीसरा है अन्य कार्बोनिल का द्वारा निर्माण, एंड चौथा है धातु यौगिकों द्वारा अप्रत्यक्ष संश्लेषण। तो मैं आप लोगों को इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ही सरल है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे मैं पहला मेथड हम लोग देखते हैं धातु तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के सीधे संयोग द्वारा। मतलब इसमें हमें क्या करना है, जो मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड है उसे हमें सीधा कंबाइन करना है। तो देखिए हम लोग किस विधि से इसे कंबाइन करेंगे। सबसे पहला है निकिल साधारण ताप तथा दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके निकिल टेट्रा कार्बोनिल बनाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एनआई निकिल और ये जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जब आपस में कनेक्ट होंगे साधारण ताप और दाब पर, मतलब ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर पर हम इसे कंबाइन करेंगे। यहाँ पे दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसी ताप पर जो है हम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ निकिल और कार्बन मोनोऑक्साइड को कंबाइन किया तो हमें प्राप्त हुआ निकिल टेट्रा कार्बोनिल। उसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, वो भी इसी प्रकार ही सरल है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को अपचयित आयरन पर 180 से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 50 से 200 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित किया जाता है तो हमें आयरन पेंटा कार्बोनिल बनता है, हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे देख रहे हो आयरन Fe प्लस 5CO कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम इसे 180 से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 50 से 200 वायुमंडलीय दाब पर, हम लोगों ने जब निकिल बनाया था तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर रखा था। यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर हम लोगों ने ज्यादा रखा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे निकिल की जगह जो है वो आयरन मिलाया है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, आयरन पेंटा कार्बोनिल। तो ये बहुत ही इजी है, हमें पहला मेथड बस ये जानना है कि हमें मेटल और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसे डायरेक्ट जो है वो कंबाइन करना है नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पर, या ये डिपेंड करता है कि वो जो है वो मेटल कौन सा है। तो आई होप सो आप लोगों को फर्स्ट समझ आया होगा। तो चलिए अब हम सेकंड देख लेते हैं। दूसरा है धातु ऑक्साइडों पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया द्वारा, मतलब जो मेटल ऑक्साइड रहेंगे उससे उसमें जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को मिलाएंगे तो हमें जो है वो मेटल कार्बोनिल प्राप्त हो जाएगा। तो मेटल ऑक्साइड मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑस्मियम है OS के ऑक्साइड की क्रिया उचित दाब पर, मतलब एक उचित प्रेशर पर कार्बन मोनोऑक्साइड से कराने पर OS मतलब ऑस्मियम पेंटा कार्बोनिल जो है वो बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ऑस्मियम के ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु जो है वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बना है ऑस्मियम ऑक्साइड OSO4, ठीक है, प्लस 9CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लोगों ने इसे 100 डिग्री सेल्सियस और 50 वायुमंडलीय प्रेशर पर, मतलब दाब पर इसे जो है वो कंबाइन किया है तो हमें मिला है ऑस्मियम पेंटा कार्बोनिल प्लस 4CO2 कार्बन के कार्बन जो है हमें लास्ट में प्राप्त होगा। एंड ये जो मेटल कार्बोनिल है वो हमें प्राप्त हुआ, हम लोगों ने बस इसमें ये चेंज किया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में हम लोगों ने ऑस्मियम के ऑक्साइड या किसी भी मेटल के ऑक्साइड को हम लोगों ने यहाँ मिलाया है। तो पहले वाले में हम लोगों ने नॉर्मल मेटल को मिला करके बनाया था मेटल कार्बोनिल, इसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि हम लोग इसमें मेटल के ऑक्साइड मिलाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, सेम इसी तरह है, रहनियम RE के ऑक्साइड की क्रिया उचित दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड से कराने पर
ये जो है Re2CO10 जो है वो बनते हैं। यहाँ भी देखिए रेनियम के ऑक्साइड के साथ हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड को एक विशेष टेम्परेचर एंड वायुमंडलीय दाब पर जब क्रिया कराया तो हमें क्या बोलते हैं धातु कार्बोनिल जो है वो प्राप्त हुआ, मेटल कार्बोनिल प्राप्त हुआ। तो दूसरे मेथड में हम लोगों ने ये सीखा कि जब हम किसी मेटल के ऑक्साइड पर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया कराएंगे तो हमें जो है वो मेटल कार्बोनिल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। थर्ड मेथड भी बहुत आसान है, अन्य कार्बोनिल द्वारा निर्माण, मतलब सिंथेसिस फ्रॉम अदर कार्बोनिल। हम किसी एक कार्बोनिल से दूसरा कार्बोनिल बनाएंगे तो आखिर उस कार्बोनिल पर हम क्या ऐसा प्रोसेस करेंगे या क्या ऐसी उस पर क्रिया होगी जिससे हमें नया कार्बोनिल जो है वो प्राप्त होगा। बेसिकली या तो हम क्या करते हैं, कोई भी कार्बोनिल होता है उसे गर्म कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं उस पर यूवी लाइट जो है वो छोड़ देते हैं, तो जिससे क्या है वो विघटित हो जाता है, फिर हमें नया कार्बोनिल जो है वो प्राप्त हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी किया जा रहा है। जब आयरन पेंटा कार्बोनिल पर पराबैंगनी प्रकाश मतलब यूवी लाइट डाला जाता है तब यह कार्बन मोनोऑक्साइड का एक अणु त्याग कर Fe2CO9 बनाता है जो गर्म करने पर विघटित हो जाता है तथा आयरन पेंटा कार्बोनिल और ट्राइमेरिक टेट्रा कार्बोनिल बनाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये जो 2FeCO9 ठीक है, जब हम लोगों ने इस पे यूवी लाइट डाला ये भी एक प्रकार का कार्बोनिल है क्योंकि इसमें भी आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है, तो जब हम इस पे यूवी लाइट डालेंगे तो ये थोड़ा सा विघटित हो जाएगा। देन इसके बाद हम इसे फिर से गर्म करेंगे तो जब इसे गर्म करेंगे तो ये अनेक भाग में जो है वो टूट जाएगा। देखिए यहाँ पे 2Fe है तो ये जो Fe है वो भी अनेक भाग में टूट गया है, जो कार्बोनिल मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी विघटित हो गया और हमें दो मेटल कार्बोनिल जो है वो प्राप्त हुआ। पहला प्राप्त हुआ आयरन पेंटा कार्बोनिल एंड दूसरा प्राप्त हुआ ट्राइमेरिक टेट्रा कार्बोनिल। तो इस प्रकार हम किसी अन्य कार्बोनिल के द्वारा एक नया कार्बोनिल जो है वो बना सकते हैं। बस हमें इसमें ये जानना है कि इसमें हम या तो यूवी लाइट मिलाएंगे मतलब यूवी लाइट से उसे जो है वो उस कंपाउंड को यूवी लाइट में रखेंगे या तो फिर हम उसे जो है वो बॉयल करेंगे, उसे गर्म करेंगे तो हमें जो है वो एक नया कार्बोनिल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट विधि देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। धातु यौगिकों द्वारा अप्रत्यक्ष संश्लेषण, इनडायरेक्ट सिंथेसिस इन्वॉल्विंग मेटल कंपाउंड, मतलब जो मेटल कंपाउंड रहेंगे धातु के यौगिक रहेंगे, जैसे कि धातु के यौगिक मतलब क्या, यहाँ पे देख रहे हो RuIT मतलब रूथेनियम आयोडाइड। तो हम क्या करेंगे, ये जो रूथेनियम आयोडाइड रहेगा मतलब मेटल कंपाउंड रहेगा उसमें हम डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है वो क्रिया करा देंगे। मैं ये जो समीकरण साम्य में लिखी हूँ ठीक है, साम्य यहाँ पे जो है वो प्रदर्शित होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मेटल कंपाउंड में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है वो क्रिया कराएंगे। तो क्या कहा जा रहा है, आयोडीन की उपस्थिति में, मतलब यहाँ पे जो है वो आयोडीन प्रेजेंट है, आयोडीन की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड रूथेनियम आयोडाइड से अभिक्रिया करके रूथेनियम पेंटा कार्बोनिल जो है वो बनाता है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे हो रूथेनियम टेट्रा कार्बोनिल और आयोडीन जो है वो बना हुआ है। तो उसके बाद मतलब ये कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम सामान्य दाब पर जो है पहले ये बनेगा, देन जो उच्च दाब पर पेंटा कार्बोनिल में जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। यह निम्नलिखित साम्य द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं मेटल कार्बोनिल धातु यौगिकों द्वारा, मतलब मेटल कंपाउंड के थ्रू हम मेटल कार्बोनिल जो है वो बना सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये जाना कि हमें मेटल कंपाउंड मतलब रूथेनियम आयोडाइड में डायरेक्ट हम कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया कराएंगे तो पहले हमें ये कंपाउंड प्राप्त होगा, उसके बाद हमें जो है वो धातु कार्बोनिल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप यू गाइस आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो धातु कार्बोनिल की जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है, केमिकल फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।